मेरे दिल में था ना ये, पता क्या बोल रहा था, ये पिलो है, सुनो आपको अगर कभी भी नींद आए तो ये आप यूज कर सकते हो। मैं मरना पसंद करूंगा पर पिलो में सोऊंगा। अरे मेरी बात सुनो, कह रहा था दिया कि गेम जीतेगी आज, वहाँ पे था, वहाँ पे जुनेद था, वो उसने देखा था, बोला था सुन लो। मैंने और पता है किसके लिए, सिर्फ उसके लिए क्योंकि उसको वो चाहिए था। मैंने क्या बोला, एक डिजाइनर ये कौन सा डिजाइनर जिसने पिन बाहर लगाई है? अरे मैंने लगाया ये, कोई बात इग्नोर, मेरे साथ धोखा, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। हाँ आज तो मेरे लिए गुड मॉर्निंग है क्योंकि आज है वो दिन जब हम चैल से बाई रोड जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है सोलांग बाओई। क्या बनाया आज तू? क्वीन, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। ऐसी अगर प्रिंसेस हो ना तो अपने राजा को मर जाना चाहिए डूब के। तू मर जाना, तू मर जाना। क्या बोला, क्या है? मैं राजन, ये क्वीन और प्रिंसेस। राजा को मेरा नाम चेंज करो भाई, मेरा नाम चेंज करो। आप ही के लिए तो बना हूँ मैं आज प्रिंसेस। मैं तेरा भाई हूँ तुझे पता ना? हाँ तो फिर तो भाई की कहाँ से प्रिंसेस होगी तू? तो प्रिंस की बहन क्या होगी तू? जीजी की कुछ बनना, तू जीजा बन गया। नहीं आप कुछ नहीं बनना मुझे उनका। तू नहीं तो बोला सर बुला रहे हैं। बोलो सर बुला रहे हैं। तो बुला, देख रही है फोन पे बिजी है, रुक जा। बोलो सर। 5 hours later सर आपने बुलाया था क्या? मैं तुझे इग्नोर मारूं तो समझ नहीं आया। Once more! ओ अच्छा, ये था, ये इतने, ये पंचलाइन के लिए आपने इतना कुछ किया? मैं तुझे, मेरे को समझ नहीं आया। प्लीज मुझे ये सिखा दो इग्नोर करना कैसे। ऐसे फोन उठाया करो, बस सिर्फ फोन पे देखते रहो, चाहे कुछ भी ना हो। रीड मैसेज को अनरीड करके रीड करते रहो। क्या इसीलिए बोला है, इतनी मेहनत, इतनी चीजें सीखी इनसे, ये भी सीख लिया, मजा आ गया। वहां गया था, उसके पास ही नदी थी, बह क्यों नहीं गया? मेरे दिल में था ना ये, क्या बोल रहा है, पता क्या बोल रहा था? ये पिलो है, सुनो आपको अगर कभी भी नींद आए तो ये आप यूज कर सकते हैं। मैं मरना पसंद करूंगा पर पिलो में सोऊंगा। अरे मेरी बात सुनो, कह रहा था दिया कि गेम जीतेगी आज, वहाँ पे था, वहाँ पे जुनेद था, वो उसने देखा था, बोला था सुन लो। मैंने और पता है किसके लिए, सिर्फ उसके लिए क्योंकि उसको वो चाहिए था। मैंने क्या बोला, एक डिजाइनर ये कौन सा डिजाइनर जिसने पिन बाहर लगाई है? अरे मैंने लगाया ये, कोई बात इग्नोर, जलवा है हमारा। मेरे साथ धोखा, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। हाँ मुझे आता है कल जब देखो, तुम्हारे वजह से ना मंगोलिस बदनाम हो जैसे लोग जो ये सब बकवास बातें कर रहे हैं। प्लीज मिस्टर और मिसेस और मिस गोस्ट, व्होएवर यू आर, प्लीज कीप स्क्रैचिंग सैंडी। स्क्रैचिंग सैंडी ओनली, इफ इट्स अ हैंडसम वन प्लीज डू स्क्रैच। अगर होस है भी तो वो देल बी इन अ प्लेस लाइक दिस ना, दैट्स प्रीटी। वो लोग सिटीज में रह के क्या करेंगे, ये भी सुना है कि इनके कैंप में हॉन्टिंग की चीजें हो रही है, मतलब थोड़े भूत वगैरह आ रहे हैं। क्या रहे? भूत नहीं सर, ये रात की बात है। तो क्या हुआ वहाँ पे? मैं लगे रूम में गई थी तो लगे जब ना फिल रहे हैं। हाँ? और मेरे को तो फील हुआ कोई पीछे खड़ा है। मैंने तो देखा है, होता हुआ। इस
ये फंस गया अरे इतना ही यहाँ पे अच्छा लग रहा है आना भी नहीं चाहती चलिए हाँ जी हेलो गाइस कैसे हो आप लोग जा पूछ क्या सो अभी मेरे साथ है द मोस्ट हैंडसम गैंग लीडर ऑफ दिस सीजन मेरे दिलों का राजा क्या बोला तूने मेरे 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 दिलों का राजा गौतम गिलाती अभी मेरे साथ है द ब्यूटीफुल गॉर्जियस रिया दी तो आज मैं देख ही रहे हो आप सही बात है डेक ऑफ कार्ड्स बनाऊं एम आई योर दिल की रानी नहीं किसी भी एंगल से नहीं सो हाउ एम आई लुकिंग सैंडी दादा बोल दो बेटा की ताश के पत्ते क्यों की मैं तो रोडीज की दिल की रानी क्वीन ऑफ हार्ट्स तो मैं हूं यू डू एग्री यस यस रिसेंटली आपके गैंग में शफल हुई सबके गैंग शफल हो गए किसी के पत्ते वहाँ चले गए किसी के पत्ते यहाँ आ गए तो अभी आपको क्या लगता है आपके गैंग में या फिर पूरे रोडीज में हुकुम का इक्का कौन है अभी भी हुकुम का इक्का मेरे पास है जो कि है पराक्रम पराक्रम ऋषभ भैया ऋषभ आपने तो वो बचा के रखा है अपने हुकुम के इक्के को और नेक्स्ट सवाल ये पूरे सीजन में जर्नी पे कोई भी हो सकता है जोकर कार्ड कौन लगता है जोकर कौन है जोकर है हिमांशु जो कि दूसरी टीम में चला गया है अच्छा बट होपफुली मैं उसको अगर मौका मिला तो Interesting. मुझे लगता है एक्चुअली वाशु अब तक परफॉर्म नहीं कर पाया अच्छा लेकिन मेरे लीडरशिप के अंदर वो अभी छा जाएगा आज तो जोकर उसी को कहते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होता है और सही टाइम पे अपना जादू चलाता है यस सो बेस्ट ऑफ लक ठीक है थैंक यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द टास्क अभी मेरा दिल रखने के लिए बोल दीजिए दिलों की रानी कौन है आपकी ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ थैंक यू ओह माय गॉड एक लास्ट सवाल ये आपको अग्री करना है हु इज द क्वीन ऑफ हार्ट इन द रोडीज सुनाई नहीं दे रहा क्या क्वीन ऑफ हार्ट रोडीज में कौन है हाँ कुछ कह रहे हो क्वीन ऑफ हार्ट्स कौन है रोडीज में अरे कमिंग कमिंग मनाली देखना है दिखा दूंगा मॉल रोड में घूमना है घुमा दूंगा मॉल रोड में घूमते घूमते कांत कुमार से बिजनेस सीखना है सिखा दूंगा मेरे दोस्त ये है मेरे पास 10 रुपए 10 रुपीज इससे मैं कुछ भी पहले खरीदूंगा और वो जो जो चीज होगी उससे मैं किसी से सेम वैल्यू या फिर हायर वैल्यू से चीज से बाटा करता रहूंगा अच्छा और लास्ट तक मैं ऐसे करते करते मैं देखता हूँ क्या आता है मेरे पास बेसिकली मुझे बनाना है सबसे बड़ी बाटर चेन सो क्वीन ऑफ हार्ट्स कांत कुमार इज रेडी विथ 10 रुपीज लेट्स गो सो ये रहा मेरा पहला 10 रुपए इन्वेस्टमेंट का कितने का है भैया 10 का तो मैंने पहला ले लिया कॉटन कैंडी मेरा पहला बाटर ये लीजिए तो ये है मेरा कॉटन कैंडी जिसका वैल्यू है 10 रुपए मैं ये चीज़ आपको दूंगा आपके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वैल्यू 10 रुपए या उससे ज़्यादा होगी वो मुझे आपको बदले में देना होगी ठीक है आपके पास क्या है 20 रुपए का कुरकुरे चिप्स है मेरे पास ओह माय गॉड ओह थैंक यू सो मच ये लीजिए कॉटन कैंडी चार्ट इसका वैल्यू कितने रुपए है 50 ओह माय गॉड 20 से डायरेक्ट 50 रुपए तो सनग्लास मुझे बहुत अच्छा लगा इसका वैल्यू क्या है 300 रुपए ओ माय गॉड ये मेरा 50 रुपए का चार्ट और मैंने ले लिया 300 का सनग्लास ये वापस नहीं मिलेगा कोई प्रगी अनपत्ता कोई अजी ये दोनों की वैल्यू क्या है 400 दोनों का तो बदले में मैं आपको ये चश्मा दे रहा हूँ तो गाइज मुझे मिल चुका है ये की चेन और ये एक फ्रिज मैग्नेट दोनों मिला के 400 रुपए क्या दे रहे हो
क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अच्छा ड्रीम कैचर, इसका ये कितने का है? 500 का। ओह माय गॉड, ये लो बदले में आप ले लीजिए। थैंक यू सो मच। वाह क्या डांस है, ये क्या है? ब्रेसलेट है। ओह माय गॉड, ये आपकी है? मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट की थी। बीवी को दिया हुआ गिफ्ट मुझे दे देंगे? लेकिन आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगे ना, आपको दे रहा हूँ। इसका वैल्यू क्या है? 700 के ऊपर। ओ माय गॉड, मैंने 10 रुपए से शुरू किया था, अब मेरे पास 700 की ब्रेसलेट है। चीज इसके वैल्यू है 700। इतना बड़ा है, थोड़ा दे रहे हो। मेरा दिल बड़ा है ना इसमें, मेरे हाथ का इसमें टच है, तो इसकी प्राइस वैल्यू लाखों में चली गई। गौरी तो मैं ये दे रहा हूँ, इसका प्राइस बता दीजिए आप। 900 रुपीज 10 रुपए से। ओ माई गॉड, ये ले लीजिए। और मुझे मिला ये, मैं यहाँ पे रख के घूमूंगा ताकि कोई मुझे नजर ना दे सके। हमारे पास ये खरीदा था आपने? कितने में खरीदा था? ये 1100 में। 1100 में तो आप रेडी हो बाटा के लिए? तो ये ले लीजिए। ओ माय गॉड, आपको मिल गया, अभी कोई नजर नहीं देगा, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम जो आप। ओ माय गॉड, कैसा लगा? मजा आया। मुझे देखने के लिए, क्वीन ऑफ हार्ट्स को देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए। सो गाइस, आज आप लोगों ने देख ही लिया था, मैंने चैलेंज शुरुआत की थी 10 रुपए से, उसके बाद मैं बाटा करता गया एंड आखिर में मेरे पास है ये बैग जिसकी वैल्यू है 1100 रुपए। मैं 10 रुपए से 1100 रुपए तक पहुंच गया। ओ माई गॉड, कांट कुमार के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। कांट कुमार इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम मनाली एंड सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन। सब्सक्राइब टू फुल्ली फातू। मैं जा रहा हूँ, बाय। Fully Faltu, fully entertaining. Like, share and subscribe to our channel, Fully Faltu.